your host Rishi Sawala. I hope you all are fit and fine. So भाई आज के ब्लॉग में पता क्या हो रहा है, अभी सुबह सुबह ना सबको निलाया जा रहा है अपने घर में, जितने भी अपने घर में इस टाइम जितने भी पैट्स हैं, बस इन चार छोटे छोटे मिंडकों को छोड़ के भाई ये चलने लग गया प्रॉपर, और इनकी आंखें भी खुल गई अब, पर इनको दिखना नहीं शुरू हुआ, एक दो दिन में दिखना शुरू होता है, आज प्रॉपर आंख खुल गई है। और इसको इनको भी मैं 10 बजे इनका टाइम है रॉयल कैनिन का, ये मिल के ये दूंगा, जाके मैं कोने में थोर से मिलाता हूं। आ जाओ, ये हमारा थोरू, अरे हमारी कोनी है, और तो कोनी को नहला रहे है ना, तो थोरू देख कह रहा है मुझे, मम्मी को कह रहा है अरे मैं भी तो नहाऊंगा। ये देखो मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो ये है थोर, थोरू तो है थोरू में जान, और कोनी उससे भी सुंदर है, दोनों अपनी अपनी जगह है भाई। और इन दोनों के लाल नीचे सो रहे थे जो आपको दिखाए थे अभी मैंने। सो भाई उनकी बुकिंग ओपन है, अगर आप में से किसी को वो लेने हैं तो अभी कुछ बच्चे हैं, अभी कुछ बुक हो गए, कुछ रह रहे हैं। सो आपको अगर चाहिए तो आप बुकिंग ले सकते हो, करवा सकते हो, अभी 45 डेज के तब होंगे तब मैं आपको दूंगा ये, बट अभी इनकी बुकिंग ओपन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेट डोस्टी का नंबर है, आप कॉल कर सकते हो और वहाँ से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो। इस राज्य के बेटे हैं, इस राज्य के, और ये मम्मी है। ओए देखो भाई कोने की मस्ती, हाँ इसको इतना मजा आ रहा है, ये देखो। और सो जा, चल। मैं बोरी की तरह खींचता हूँ इसको। देखो भाई ये रे छोटे उस्ताद सारे सो रहे हैं, और ये कोनू भी आ गई है, इसको भी मजा रहे। कोनू क्या ऐसे कैसे बैठी है, कोनू ओए लेट के दिया, लेट के दिया। देखो ये मस्ती छा रही है इसको, कोनू इधर आ जा, रुक जा भी ना जा, अभी ना जा, मस्ती सारी है, देखो मस्ती सारी है, हैं मजा आ गया इसको। जैसे लोग ना पजेब पहनते हैं ना तो आवाज आती है, इसके नाखून बड़े हो गए हैं, ये टाइलों पे रह रहे थे, इसके नाखून मैंने अभी तक कटवाए नहीं है, तो फिर इसलिए कट 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 की आवाज आ रही है। इनको स्मेल आ गई तेरी, वाह भाई वाह, इनको जैसे सारे चलने लगे, कहाँ चढ़ गया ये, बैठ जा कोनी, बैठ जा, देखना किस हिसाब से बैठेगी, देखना कितनी आराम से, बैठ जा जल्दी बैठ जा, हाँ गुड गर्ल, वो टांग सीधी कर ले, इनको जगह मिल जाएगी ना बेटू, तो सारे देख लो, ये टांग निकाल ले बाहर, हाँ बस मैं फैन बंद कर देता हूँ, ठंड ना लग जाए, एक चल रहा है उस साइड, एसी अभी थोड़ी देर के लिए बंद करा हुआ है। पहलो के नहाने की बारी है कि अपने जूते काले कर लेती है, तो अब इनसे मिलाएंगे, चल भाई हेलो, चल हेलो, चल कड़ा क्या ना थी, खाना खा लिया, खा लिया हाँ, दूध पिया, क्या हो सके चुरमा के देख के, मेरे दादाजी भाई हेलो, क्या हेलो के ना है, चल हेलो, चल भाग ऊपर ना आना है तेरे को, चल चल चलो चल हेलो, और ऊपर चल, यहाँ तो कोनी है तेरे को पकड़ लेगी, चल चल, ये देखना ये कहाँ बिठा रखी है मम्मी ने, ये ऐसे कैसे बैठी है मम्मी, डर क्यों रही है, ये निलाएंगे इसलिए, और ये क्या मतलब है भाई, हेलो हेलो थोड़ा हिले भाई, हेलो तो लो भाई ये वाली फिश ले रहे हैं अपने टैंक के लिए, और ये गोरामी देखो भाई, इतनी बड़ी गोरामी तो मैंने देखी नहीं, ये वाली इस वाली स्पीशीज में, तो ये गोरामी डालेंगे आप, अगर ये गोरामी इस कलर में भी होती है ना बड़े तो वो भी डाल देते, पर ये दो लेंगे, दो ले लूँ तीन ले लूँ कुछ नहीं पता, जब मन जोर सा मन करे वो ले लेंगे। और एक फिश मेरी पकड़ने लग रहा है भाई, पकड़ में ही नहीं आने लग रही, वो रही पीछे,
वरी 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 ये आ गया। लो भाई अपने ये डाल देते हैं इसमें। नई फिश आ गई इन द हाउस। वही गुरु में कितनी बड़ी है। पैरेट से मिल गया नई फिश इन द टैंक। अब गोरामी आएगी भाई अपने टैंक में। भाई दोस्तों पता है क्या, थोर बीमार हो गया, थोर की चोट लगी है, अपनी पूछ नहीं उठा रहा बिल्कुल भी, और इसकी चोट लगी है। ये देखो ये नीचे होके बैठ रहा है बिल्कुल ज्यादा। थोरू क्या हो बेटे, इसकी ना पता नहीं कैसे लगी है, बट मुझे ये पता चल गई कि इसकी दिक्कत क्या हुई है। इसकी जो पूछ है ना, मतलब जो टेल है वो मतलब कि ऐसे क्या बोलते हैं, ठुक गई है शायद, है ना। तो इसको बहुत दर्द हो रहा है पूछ पे, और ये मतलब कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल है ही नहीं। बट ये पेन किलर इसको कल, आज तो रात हो गई भाई, 10 बज गए, सो मैं इसको कल सुबह, समझ में अब आया ना दर्द, बट मेरे को समझ आ गई, मैं पता पहले नहीं आई थी मम्मी को समझ, पर मुझे आ गई थी क्योंकि मैंने तो एक बार पहले भी हुआ था इसके साथ, वो मेरी से वो तब मेरी गलती थी, बट आज पता नहीं कैसे लग गई इसकी चोट। आज लगी है इसके पैडियों में ही लगी है, क्योंकि पैडियां गिल्ली थी और ये ऊपर से उतर के आया था, तो इसके पैर स्लिप हो गए थे, तो कहीं ना कहीं इसको लगी मिलेगी। तो इस वजह से इसकी पूंछ पे चोट लगी है, मतलब पूंछ होते तो हड्डी है, तो हड्डी मतलब वो अपने जैसे उंगली या पैर की उंगली ठुक नहीं जाती तो बहुत दर्द होता है वैसे ऐसे, ये देखो ये ऐसे ऐसे इसको पेन हो रहा है, तो ये वहां दबा के मतलब पेन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और आज भी यही सीन है कि थोरू के दर्द है और इसको मतलब अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है, तो मैं इसको एक बार इसका मन बहलाने के लिए इसको बाहर घुमाने लेके जा रहा हूँ। चले थोरू, चल बेटो, चल चल आगे, चल चल, देख पूछ नहीं उठा रहा थोड़ी देर, कौन आया पूरी नहीं उठ रही इसकी पूछ, ये हो तो जाएगी ठीक, बट ये टाइम लेती है, 4-5 दिन का है ना। ये थोड़ी आगे खड़ा हुआ है और इसके बच्चों की आवाज सुन रहा है ये, हाँ बस। अरे बच्चे पता रो क्यों रहे हैं, इधर पागल सा, कोई इसी चला दो भाई। और इधर थोरू क्या हुआ, थोरू नहीं इसी चला दो, ये चूचू कर रहे हैं ज्यादा। अब वो इसी चल पड़ा है ना, तो ये चुप हो गए हैं यार। इनको ना छोटे बच्चे, इनको गर्मी ज्यादा लगती है, इनको पता नहीं अभी सहनशीलता बोलते हैं ना जो चीज, सहनशीलता की सहन करने की क्षमता इनमें बहुत कम है, सो ये थोड़े से और बड़े होंगे तो सहन तो करने लग जाएंगे। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा जो भी इन्हें लेके जाएगा, सो भाई आप भी कम से कम 6-7 महीने, 5-6 महीने जब तक ये गर्मी है, इस गर्मी इनको एसी या कूलर में रखना जरूर, ठीक है, जैसे हम रखते भाई ऐसे ही रखना, और उनको ही मैं दूंगा, ऐसे ही नहीं दे रहा है। मेरे पास क्वेरीज तो हद से ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा आ रही है, कहो भाई मुझे दे दो, बट मैं उनको नहीं दे रहा, मैं खुद देख रहा हूँ बंदों को कि वो रख पा रहे हैं नहीं पाएंगे, और हमारी जैसी फैसिलिटी है हमसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो मैं उनको ही दूंगा। हाँ बोल बोल बोल, क्या हुआ, हाँ ले आ जा, क्या हुआ बता, मुझे बता मोटू, मुझे बता बता क्या हुआ, बता बता क्या हुआ, बता। प्यारे बच्चे ये तो, चलो तुम सो जाओ और मैं आया हूँ। आलू उठा लिया इसने, आलू ए मम्मी कॉपीराइट ना मरवाओ, आलू खाता है हमारा थोरी, क्या खाएगा थोरू, पूछ तो तेरी ठीक नहीं हुई, ऊपर से ऊपर बैठ के खाता है ये, जा चलो सिट करके दिखा, दर्द हुआ देखो इसको, दर्द हुआ। अच्छा भी आराम से बैठ, आराम से बैठ, ऐसे बैठता है, दोनों खा लो ठीक है।
खा ले बेटे, मैं तो कोनी के बच्चों को दूध पिला के आ रहा हूँ। हाँ, उसका रखा। और हाँ, इस दूध का मतलब ये नहीं कि मैं कोनी का दूध नहीं पिला रहा उन्हें, कोनी का दूध तो चल ही चल रहा है, ये थोड़ा ऊपर से एडिशनल है। और ये इसलिए कि इनको थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब कि इनकी जो पूर्ति है ना वो पूरी हो जाए, बैलेंस डाइट मिल जाए। कई बार कई बच्चे जैसे होते हैं उनको वो ना कम पी पाते हैं, मतलब कि लड़ाई लड़ाई हो जाती है, तो इस वजह से सबको थोड़ा थोड़ा सबको एक्स्ट्रा दे देते हैं, ताकि मतलब उनकी जो बैलेंस डाइट है, जो न्यूट्रिशन मिनरल्स जो उनको चाहिए वो पूरे मिल जाए, इसलिए मैं वो दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोनी की जो दूध है मदर फीड है वो तो मिले ही मिलेगा, 45 डेज तक वो मेरे पास रहेंगे। जैसे जो जो बच्चे बुक हुए हैं वो 45 डेज तक मेरे पास रहेंगे, और 45 डेज के बाद ही आपके पास जाएंगे। तो जब तक इन्होंने जितना दूध पीना है कोनी जितना पिलाएगी, जब तक ये पियेंगे, ठीक है। और ये दूध मैं अलग से, रॉयल केनिन का दूध मैं अलग से दे रहा हूँ, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो, और अच्छी ग्रोथ हो। ठीक है, तो वही इनका दूध वगैरह मैं इनको देता हूँ, और आप लोगों को दिखाऊं क्या? चलो, अभी मेरे पास कोई और बंदा नहीं है जो मेरा कैमरा पकड़ सके, तो मैं दोपहर पे पिलाऊंगा या शाम वाला पिलाऊंगा, वो दिखा दूंगा आपको। ठीक है, देखो दो टेडी के बच्चे ये बचाए हैं, अभी ये डॉग से बचाए हैं, और इनके मम्मी पापा वहाँ पे हैं, वो चीची कर रहे हैं, बट उनको पता कैसे चलेगा। दिक्कत क्या हो रही थी, तीन बच्चे थे इनके और एक बच्चा यहाँ छुपा हुआ था, वो अभी भी आवाज आ रही है, और आ रही है दोस्तों, और भी आवाज आ रही है। चार बच्चे थे ये, एक और कहाँ है, कहाँ है, कहाँ बैठा दिख तो नहीं रहा। तो दोस्तों पता चल गया कि क्या दिक्कत थी, इन्होंने टटेरियों ने बच्चे दे रखे थे इन छत पे ऊपर, और ये ऊपर से नीचे आ रहे थे, और दो निकल गए थे है ना, तो वो दिखे नहीं। अब देखो ये छोटे छोटे यहाँ घूम रहे हैं, होप करते सारे ठीक रह जाए, रह ही जाएंगे। एक यहाँ रह रहा है, ये देखिए कहाँ फंसा हुआ है, पागल सा। देखिए ऐसे छुप जाते हैं, और इनको भी लगता है हम दिख नहीं रहे पर मुझे तो दिख रहा है ना। चल भाग जा, नमस्कार दीजिए। ये देखो पहुंच गई, वो पहुंच गए बच्चे। तो दोस्तों मैंने इनको छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, अब यहाँ से अपने आप चले जाएंगे। अब अगर शाम तक नहीं गए चीची करते हैं, तो फिर भाई इनको शाम को उठा के फिर इनको दीवार क्रॉस करा देंगे, ताकि आराम से चले जाए। बात ये है कि मैं उठा भी लूँ, बट बात ये है कि मदर जो फादर है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब डर जाते हैं, वो दूर चले जाते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता कहाँ गए बच्चे। तो इस चक्कर में या तो चारों एक साथ पकड़े जाएं, और चारों एक साथ पकड़े जाएं क्योंकि वहाँ छुपने की बहुत सारी जगह है, वो आराम से छुप जाते हैं, तो इसलिए मैंने खुद को स्पेस दे दिया कि आराम से चलाए। मेन बात ये थी कि सड़क पर ना रहे, वहाँ कोई ना कोई डॉग या कैट उनको खा जाता, या फिर कार या बाइक के नीचे आ जाते, वहाँ से क्रॉस हो गया, अब एक प्रॉपर इनको जगह मिल गई है। ठीक है, अब मैं सो रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बहुत इसको बोल के आवाज आ गई। चल तो भैया पे तो फार्म पे चल रहे हैं, बाय थोरो, ये मेरे पास आ जाएगा। थोर ना मुझे जाने नहीं देगा, ये देखो थोरो बाय। चल चल थोरो है, कह रहे कि मैं भी जाऊंगा, क्या हुआ थोरो, थोरो। तो दोस्तों इस फिश का मुझे लगा कि इसके मुंह में बच्चे हैं, सो आज इसका ऑपरेशन होगा। सो दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, हमने अभी भी आगे ऑपरेशन करा था, बच्चे देखे थे कि थे या नहीं थे, सो वो बच्चे थे। अब हमने क्या करा, इस टैंक को बना दिया, मतलब आप ये मानो वेल्पिंग रूम, वेल्पिंग टैंक बना दिए, ये इसी के अंदर हमने वो बॉक्स डाल दिए, और वो फिश इसके अंदर ही घूम रही है, और ये साइड में थोड़े से बच्चे रह रहे हैं। ठीक है, बाकी और सारे इसने मुंह में ले लिए, इसके मुंह के से देख सकते हो आप, और होप करो आप सब भी, हम भी कर रहे हैं कि हमारे इस टैंक में छोटे छोटे चिकलेट्स होंगे। और ये देखो, ये उसी मैंने वहाँ पे एक स्टोन डाल दिया है, ताकि वो ये अपना जो बॉक्स है ये रह जाए, स्टे रह जाए। सो दोस्तों कुछ इस टाइप का अपना टैंक बन गया है, और अभी यहाँ छोटे घर हैं, फिर बड़े घर शुरू हो जाते हैं, ये बड़े घर हैं, तो इन सब के लिए स्पेस है। और ये हमारा बंटी भी आज इसमें घूम रहा है, ये नई फिश आई थी कल, ये जो आपने देख ली थी इससे पहले व्लॉग में, और वो गोरामी, ये दोनों।
और ये सारे इकट्ठी हुई हुई हैं। बड़ा सुंदर लग रहा है टैंक, कैसे लग रहा है भाई? मैंने भी ऐसे कर दिया। तो सारी चीजें सही रहेगी और ये प्यारे प्यारे बच्चे देगी। मम्मी जा रही है स्कूल में और ये थोरू को देखना इसकी हरकत क्या आएगी। बाय मम्मी। थोरू मम्मी जा रही है। दोस्तों मम्मी की तो एक्टिवा यहाँ ही खड़ी है। ये एक्टिवा एंड टाइम पे चली नहीं आज पहली बार, तो मम्मी को मैं छोड़ गया हूँ कार में। सो इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते भाई। थोर नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा थोर को क्या तकलीफ थी और क्या दवाई दी है। सो नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन ऑन कर दो। चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में।